भारत में कोरोना की खौफनाक तबाहकारियां, हर 4 मिनट बाद एक मरीज हलाक होने लगा। पड़ोसी मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 3,50,000 नए केस रिपोर्ट। मई में कोरोना केसों की यौमिया तादाद 5 लाख तक हो जाने का खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना के मजीद 3,50,000 मरीज सामने आ गए, मजमूई तादाद 1,70,00,000 से जायद हो गई है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि भारत में कोरोना से अमवात की असल तादाद बहुत ज्यादा है। बरतानवी माहिर ने खदशा जाहिर किया है कि मई के पहले हफ्ते के दौरान भारत में कोरोना केसों की रोजाना तादाद 5 लाख तक होने का इम्कान है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत में मजीद 2,680 अफराद जान से गए, हलाक शुदगान की तादाद 1,90,000 से जायद हो गई है। दारुल हकूमत दिल्ली में लॉकडाउन में एक हफ्ते का मजीद लॉकडाउन कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना की तबाहकारियों के हवाले से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तस्लीम कर लिया है कि कोरोना की लहर नहीं, भारत में कोरोना तूफान आया हुआ है। भारतीय टीवी के मुताबिक रेडियो पर खताब में नरेंद्र मोदी का कहना था कि कोरोना तूफान ने कौम को झंझोड़ कर रख दिया है। इन्होंने कहा कि बहुत से भारतीय शहरी वक्त से पहले जान से हाथ धो बैठे हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।